खातून हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं सुना मेज़बान सईद बार दसों तक ने पे अपना चैनल कोंडली की आवाज़। तो जिस तरह जेड साहब लाइव प्रोग्राम करी चुके तो उसी दसी चुके कि हवाई जहाज ग्राउंड कोटली नेजाबाजी ने मुकाबले शुरू हो चुके हैं। तो थोड़ी देर तो बाद नेजाबाजी बकायदा शुरू हो सी है। तो साढ़े नाल वो टीम मौजूद है, उस टीम ने लीडर मौजूद हैं जिहड़ी टीम ये नेजाबाजी जी पिछले मुकाबले हुए सन उसी जीती सी। तो साढ़े नाल जनाब ये गल बो कि ऐतकी भी कोई चांस है नहीं, ऐतकी तगड़िया टीम यानी मुकाबले उतरिया हुई। अच्छा गल है कि सब तो बड़ी गल तो यही है कि मतलब इतने मेला मतलब प्रॉपर होना शुरू हो गया, क्योंकि असने जो कश्मीर है खास तौर पर कोटली अस लोग बड़े शौकीन से हाँ, मतलब नेजाबाजी ने होइए दांदानी दौड़ होइए इसने बड़े शौकीन से, लेकिन कोई मैदान ना होने की वजह थू या लोगों ने मतलब हुकूमती अदम दिलचस्पी होने की वजह थू सिर्फ एक खुरटा मेला होना सा जड़ा भी वह भी एक ब्राई नाम सी। तो शुक्र है कि इतना कोटली मेला होया तो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छे मुकाबले हुए से, बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हुए से और इस दफ़ा भी उम्मीद करने हैं कि बहुत चंगे मुकाबले हो सन, लोग महजूज हो सन। और मैं एक अपील करना है कि कोटली गिरदो नवा ने लोग जड़ा है ना वो लाजमी शिरकत करन। एक सेहतमंद सरगर्मी है जड़ा है ना कि मतलब असने जो बच्चे जड़े मसागे तो तुम दखो कि मुख्तलिफ जीज़ा जड़िया मसागे सोसाइटी ने भी खराबी ना बायस बननिया उस तरफ जाए रहे। एक ऐसी सरगर्मी है कि जो असने नौजवान इस तरफ अच्छन ताकि उन्हें गलत कमां ने विचों निकल मनशियात ने विचों निकल एक पॉजिटिव सरगर्मी तरफ आने के जिन्होंने खेलने मैदान आबाद होने ना उन्होंने अस्पताल जो वैरान हो जाने। तो साढ़े नाल भाई जी मैं थोड़ी थोड़ी शक्ल याद दसनी कि तुसा घोड़े पर मौजूद सो तो तुसा आखिरी नज़ा चुके सर इे गल है जी जी इंशाल्लाह अलहमदुल्ला मैं ही सियां अरे सवार सन घोड़ा शुरू ही माड़ा है। तो इंशाल्लाह इस बार ही पूरा जमें कि इंशाल्लाह इस बार भी अपना तारफ तक करो अपना नाम दसो अपने क्लब का नाम दसो। मेरा नाम तुसी कैमर चौधरी है, असा कोटली दमोल रहने और क्लब मेरा नाम सुरहाब कोटली सिटी नजाबाज क्लब है और घोड़ा जड़ा है असा ना आजाद कश्मीर या पूरे पाकिस्तान लेवल ना अच्छा घोड़ा है सारे को सुल्तान तो दूसरा शेरू भी चैंपियन जड़ा है पिछले साल का विनर घोड़ा वो भी है। तो इंशाल्लाह इस बारी अल्लाह ताला तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस बारी कामयाबी देसी और लाजी देसी। वो वैसे तो पहलवान होने खुराक वगैरह खाने तो आखने के पहलवानी कर रहे हैं बाजूगिरी कर रहे हैं तो तुसा भी कोई खुराक खाने हो या क्या चक्कर होना क्या खुराक से दिल मजबूत करना पैना सुना दिल मजबूत है तो तुसा जड़ा इसने पहलवान हो तो अगर दिल मजबूत नहीं तो जान सो को है लेकिन दिल नहीं है तो तुसा इसने पहलवान ना बनी ठीक है। अच्छा ये गल बो के वैसे कितनी प्रैक्टिस करनी पैनी, दिहाड़ी करनी पैनी, राती करनी पैनी या हफ्ते कितनी बारी प्रैक्टिस करने हो? पहले तो ऐसा कि ग्राउंड नहीं सा साड़े को असा प्रैक्टिस सिर्फ मेलियां पर जाई तो कोई नज़ाबाजी करने से। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ता प्रैक्टिस उसी तो तुसा जड़ा है ज्यादा कामयाबी ने चांस होने इंशाल्लाह असा हफ्ते ही जरूर जड़ा है प्रैक्टिस एक दफा करने हैं मतलब दो चार राउंड घोड़े देना। अच्छा ये भी आने के हर चीज इज ना कोई ना कोई बंदे के उस्ताद रखना चाहिए कि इस विच ही उस्ताद शागिर्द होने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल माड़े जो इब्तदाई उस्ताद हैं वो सैयद तकदीस गिलानी हैं ते हुन जड़ा है माड़े उस्ताद मजरन डाडी बखर तू ए माड़े उस्ताद हैं जिन्ना तू उस्ताद बनन लगी थोड़ी गल कर ए छोड़ो जनाब इधर थोड़े उस्ताद जी वैसे तो सोने पिछली बारी घोड़े जीती है सन सो की इनाम ही लब्बा सी ते इस बारी कितनी टीमें मैदानी उतरी चुकी हैं ते क्या कितनी पोजीशन हासिल करने ने सो ज़हन बनाया पहली या दूई या त्री? हुण हर टीम की अपना अपना ज़हन ही होंदा जी कि मेरी टीम भी अगे आवे तो कोशिश तो हूँ असं भी की पाए कि सारी टीम भी अगे आ वे ठीक है ना। तो हर बंदे सवार दी हर टीम दी कोशिश होंगी है कि मैं अगे आवा वैसे इन्हें दस्या कि माड़े उस्ताद हैं तो वैसे और ना जगह पर उस्ताद मारने भी तो क्या इस बीच भी कोई चंड तफा हो जाना है? जी हाँ मार दें जी मार दें लाई उन्हें दो चार गलती करा गलती शगिर्द करता पिया हो ना तो मार दें जी इसी क्या क्या गलती शगिर्द करना है कोई नेजे की कार खिंद है कोई पैर गलत पाती बताऊँ है ठीक है कोई बाघ गलत नपी बताऊँ है ठीक है तो उस बिच ना बरल बरल ठीक सारे बिच मसायल होंगे जेडे। अच्छा ये साथ जी ये भी दसो कि तुसा कितने यानी कि बारी विन हो चुके हो? मेरी तकरीबन जी 51 साल उम्र हो सी। अच्छा ठीक है तो मैं 15 साल ही हम ते वालिद मैनू दौड़ावन लगे उस्ताद नजर हुसैन डाडी जिला बकर जी ठीक है बहुत मशहूर सवार आई जी ठीक है ते मैं उसका बेटा ते मैं तकरीबन पिंडी ते गुजरात बो जिथे भी मेले लगे ना जी उथे भी दौड़े हैं ठीक है लेकिन अपने इलाकों के बीच भी इनाम गिदे ते खास तौर जरा ज्यादा मैं इनाम गिदे ना उथे जी साढ़े ग्रां थी वेंदे पिपलां ठीक है चैंपियन ट्रॉफी लगी आई जी ते उत्थे मैं लाख रुपया ते सीडी मोटरसाइकिल जीता आई जी। अच्छा जी नाल ए भी अच्छा हां 2022 जी ठीक है 2022
ठीक है सर जी, नाल भी दसो कि जो घोड़े होने इन्हों की कोई खुराक शराक कड़ियाँ खिलानियाँ पैनिया, वैसे तो आने नवाबी शौक आ, तो कोई बड़ा कारोबार हो बंदे घोड़े रखी सकने, तो क्या तुम सुना कोई बड़ा बिजनेस है दसो घोड़े रखे हुए या दौड़ाने इन्हों की खुराक है जी लूसन ठीक है घोड़े की। अच्छा ते भी आगे जेडे डाले पैंदे जी, अच्छा दूध पिलाएं जी, मक्खन खवेंदे ठीक है, वो वत जिंजे जिंजे को फरदा है ना उस तरह ही खवेंदे जी। अच्छा जी आने नवाबी शौक है, नवाबी शौक बंदा आम बंदा किस तरह माड़े जा पूरा करे, ये भी नाल आइडिया देना। उन्हें तो हूँ फकीर ही रखी पैन जी। अच्छा ठीक है, तो शौक तो नवाबी भी है ना। जितने भी क्लब आए खड़ोते तकरीबन सारा दी भी ख्वाहिश हो सी ना, मैदान नहीं उतरिया सारे जितने अल्लाह का इल्म अल्लाह ताला जानदा है जी। पता नहीं जीत कहते नसीब हो सी इंशाल्लाह। लम्हा बलहमा तुसों की तो अगा करने रेसा नवी एक्टिविटी ने बारे ते आसन नाल जुड़े रहे, इस नाल मिकी इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज़।